सनसनीखेज खबर अब आपको रीवा से बता दें, युवक ने पत्नी बेटे और बेटी पर हमला कर दिया। कुल्हाड़ी से तीनों पर वार किया गया है और इस वार में बेटे की मौत हो गई, मां और बेटी का इलाज जारी है। पुलिस घटना की जांच कर रही है। ढबौरा के छिपिया गांव में इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर एक निशुंस बाप ने, आप देखिए किस तरह से कुल्हाड़ी से पत्नी और अपने दो बच्चों पर वार किया। बेटी की मौत हो गई है इस वारदात में, पत्नी और बेटी का इलाज जारी है, दोनों ही गंभीर रूप से घायल है। राजीव पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, क्या अपडेट है, कुछ जानकारी मिल पाई कि आखिर इस पति ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम क्यों दिया है और क्या गिरफ्तारी हो पाई है आरोपी पति की? पूरा मामला है रीवा जिले के डभौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छिपिया गांव ग्राम पंचायत का है, जहां पे एक ही परिवार के एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और बेटा और बेटी तीनों के ऊपर तब्बर से जानलेवा हमला किया, जिसमें बड़ी ही दुखद घटना है। इसमें बेटे की तो तुरंत घटनास्थल पे ही मौत हो गई थी और जो उसकी पत्नी और एक बेटी थी उसका गंभीर रूप से जो ये उसकी चोट की वजह से गंभीर रूप से घायल हुए, उनका इलाज रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अभी भी गंभीर स्थिति में रहा है। और जो बातें अभी पुलिस ने जांच की है, सामने निकल के आई हैं, तो उनका कहना है कि इनके आपस में घर में ही कलह काफी लंबे समय से चल रही थी और घरेलू विवाद चल रहा था, जिसकी वजह से यह घटना को अंजाम इसने दिया है। अभी पुलिस के गिरफ्त में आरोपी नहीं है और पुलिस का कहना है कि जल्दी इनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसकी तलाश जारी है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।